नमस्कार, मैं रूप किशोर राजपूत। आप देख रहे हैं क्रांतिकारी खबर। जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर किसी न किसी हस्ती व नेचर को आपके सामने पेश करते हैं। तो आइए आज ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, जहां पर वार्ड बॉय की मिली भगत से काफ़ी समय से मोबाइल चोरी का धंधा फल फूट रहा है। और इसमें यही नहीं, वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं। ये नज़ारा दिखाते हैं, ये बराबर में ये व्यक्ति दिखा रहा, आकाश नाम का व्यक्ति। ये अपने दोस्त, ये जो मोबाइल चोर है, अपने दोस्त को बुलाता है और मरीजों के मोबाइल पार करवा देता है। ये इनका धंधा है, इसका कोई माँ बाप नहीं है, क्योंकि ये इसकी बुआ ने इसको गोद रखा था, वो भी इस दुनिया से जा चुकी है। कहने का मतलब यह है, बार्ड बॉय आकाश, ये सुनीता नाम की जो महिला है, वो भी बार्ड बॉय है, उसी का ये बेटा है। ये काफ़ी समय से मोबाइल चोरी का प्रकरण चल रहा है। ये दीवान जी ने स्वयं आकर के देखा और उन्होंने बताया कि इनकी कई बार से हमारे पास शिकायतें हैं, जिसकी वीडियो भी है। लेकिन ये CCTV के माध्यम से ये व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है, ये मोबाइल चोर है, के माध्यम से स्टाफ ने पकड़ा और इसको 3-4 दिन हो गए आज, उसको बुलाया गया, तब जा कर के मोबाइल भागा। इसने मोबाइल को कबूला और कहा कि मैंने प्रेमिका के चक्कर में मोबाइल यहाँ से पार किया था और ये आकाश नाम का व्यक्ति मुझे बुलाता है और यही मोबाइल पार करता है। ये आकाश, आपको बता दें, ये सुनीता बार्ड बॉय है, जो कि काफ़ी समय से हॉस्पिटल में जमी हुई है, इसी का बेटा है। और ये दूसरा जो मोबाइल चोर है, ये सुनीता के घर पर ही रहता है। ये पूरी आप अगर वीडियो देखेंगे तब आपको हकीकत पता चलेगा, आखिर माजरा क्या है। पुलिस को सूचना मिली, लेकिन डॉक्टरों की मिली भगत से किसी भी तरह का कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो पाई है। ये बहुत सोचने का विषय है, क्यों इन चोरों को पर मेहरबान है। इससे साफ जाहिर होता है, यहाँ पेशेंट अपने इलाज कराने आते हैं, उनके मोबाइल चोरी हो जाते हैं और इसमें ये हिलावाली करते हैं और इसी तरह छोड़ देते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस ने मौके पर आकर सभी के नाम पते लिख लिए। राजेश नाम का व्यक्ति है, जो कि बुर्ज खेड़ा का रहने वाला है, उसका मोबाइल 4 दिन बाद उसको सकुशल दे दिया गया। और पूरी जब वीडियो देखने बाद पता चलेगा आखिर मामला क्या है। मैं रूप किशोर राजपूत। ये जो वीडियो है, ये एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के माध्यम से बनाई गई है, क्योंकि वहाँ ओपन कैमरा नहीं चला सकते थे, वहाँ डर था इस बात का कि ये कैमरा वगैरह से ना लेते और ये किसी भी तरह का एक पर्दाफाश नहीं होता। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर। मैं रूप किशोर राजपूत, आगे फिर लाएंगे ऐसी इसी तरह की स्टोरी दीनदयाल हॉस्पिटल की। कौन लगा? कौन से डॉक्टर का मोबाइल था? बढ़िया है, मार दिए, 2-3 माह में मार दिए, तो बोले तो मैं इससे लड़का ले लूँगा। सही बात है, मैं हमने पकड़ के दे दिया। चले माँ, तू तरह चला लगा था ना, क्या तू तेरे कम चला कर, मैं को तो पूछ रहा हूँ कोई सवाल। अब बूढ़ा लोग है वो, 20 साल को झुटे रहा है वो, अभी अकल नहीं है सुनो। ना ईट मारोगे ना छीट खाओगे, ना तुम्हारी 1 लाख की बराबर, तब मैं 50 आदमी में कह दूंगी। नहीं तो मैं तो 12 साल है, मैंने यही बात कही है उनसे, सर से ऑफिस में सर। कोई टच नहीं कर सकता, कोई कह नहीं सकता मेरे से, औलाद चुका देती है। अगर औलाद इतनी ना करे, अगर औलाद सही होती ना, तो आज मेरे से कोई बात कर भी वारा नहीं है। बता माँ को इतनी शर्म लग रही है, इज्जत के मार। सीधा बोला,
एक दिन हम मट्टी खराब कर दी, वाने मेरी मट्टी खराब कर दी। तो ऐसे इनके जान नहीं बैठना अभी ना चाहिए, और ऐसे इनसे बात ही ना करनी चाहिए। गेंद में पानी लगा तो बथुआ में लग जाएगा, बथुआ में तो लगेगा लगेगा ना, ना ईट मारोगे ना छीट खाओगे, ना तुम्हारी एक लाख की बराबर। तो मैं 50 आदमी में कह दूंगी, नहीं तुम्हें तो 12 साल है। मैंने यही बात कही है उनसे, सर से ऑफिस में सर एक दो नाम और बता दो इनका, लिखो डॉक्टर कीर्ति भारद्वाज यहाँ इसके इंचार्ज है। कई फोन चोरी हुए यहाँ के, बहुत है क्या वो कंप्लेन गई आपके यहाँ? बता रहा हूँ, मैं तो बहुत दिन से ढूंढ रहा था तुझे, तेरी तो वीडियो तो होगी साथ में, पहले भी आया था यहाँ, आया हूँ। बेचारे बालक ने दूसरे की ये राजेश शर्मा की तरह अपने आप को छोड़ दिया, आप एक कंप्लेन लिखकर वाइस पेपर पे वो दे दो, ऐसे चोरी करने की कोशिश की थी मेरा फोन मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं है, आप इसे बात खाने ले जाओ। मैं जो कह रहा हूँ मैं उसके लिए एप्लीकेशन दे के भेज दूंगा, मैं उनसे बात कर लूँगा। अभी अरे पहले इसे पूछ, पहले भी आएगा जी मेरा जी गया कभी? अभी नहीं गया, नहीं पहली बार, माँ बाप भी नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है, बुआ ने पाला, बुआ भी खत्म हो गया। अंदर ये परसों चोरी किया।